महत्वपूर्ण और बेहद मैं आप सब लोगों के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। दिल्ली विधानसभा के परिसर के अंदर दिल्ली विधानसभा में 2 जून 2023 को शिकायतकर्ता नकुल कश्यप जी एक शिकायत करते हैं दिल्ली सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ, और उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली विधानसभा की SC/ST कमेटी मीटिंग बुलाती है। ये दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं जिनके बारे में शिकायत आई, ये है YVVJ राजशेखर जी, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं विजिलेंस के, स्पेशल सेक्रेटरी हैं सर्विसेज के। इनके खिलाफ नकुल कश्यप नाम के एक लड़के ने शिकायत करी, और शिकायतकर्ता का ये कहना है कि उनके पिताश्री दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत थे। ऑन ड्यूटी उनके पिताजी की मृत्यु होती है और वो इस अधिकारी के कक्ष में, उसके दफ्तर में जाते हैं, अनुकंपा के आधार पर नौकरी की गुहार लगाते हैं। चूंकि परिवार में पिता का साया सर से उठ गया भावनात्मक तरीके से और आर्थिक तरीके से, जिस परिस्थिति से परिवार के लोग गुजर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति होता है तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसे नौकरी मिल जाए, ताकि जो एक पिता की जिम्मेदारी है उसको घर का एक जिम्मेदार बेटा निभा सके। उसी संदर्भ में जब शिकायतकर्ता इस अधिकारी से मुलाकात करते हैं, तो ये अधिकारी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की एवज में शिकायतकर्ता से पैसे की डिमांड करता है, और जब शिकायतकर्ता पैसा देने के लिए मना करता है, तो ये अधिकारी जिनका नाम YVVJ राजशेखर है, वो इस शिकायतकर्ता के साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, यहां तक कि उसे जाति सूचक शब्दों के साथ भी जो है उसके सामने पेश आता है। इसे आहत होकर जब शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पुलिस को दी, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, तो शिकायतकर्ता ने सीधा ही दिल्ली विधानसभा के समक्ष, स्पीकर साहब के समक्ष 2 जून को अपनी पहली शिकायत दर्ज कराई। पहली शिकायत के आधार पर दिल्ली विधानसभा की SC/ST कमेटी ने जो है 6 जून को मीटिंग जो है कॉल करी शिकायतकर्ता की शिकायत को आधार मानते हुए, और इस मीटिंग के अंदर YVVJ राजशेखर जी को आने के लिए दिल्ली विधानसभा की कमेटी की ओर से कहा गया, जिसमें वो उपस्थित नहीं हुए, और उन्होंने लिखित में कमेटी के समक्ष 2 हफ्ते का समय मांगा। कमेटी की ओर से दबाव बनता देख, कमेटी की ओर से, दिल्ली विधानसभा की ओर से संज्ञान लेते हुए देख, इस अधिकारी ने शिकायतकर्ता को डराना धमकाना शुरू करा, उसके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू करी, उसको जान से मारने की धमकी, उसके घर पर ब्लैंक कॉल, उसका लोगों के द्वारा पीछा करवाना, ये तमाम चीजें होनी शुरू हुई। और शिकायतकर्ता ने इस बात की शिकायत भी दिल्ली विधानसभा को अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से 10 जून को की। ये सारे के सारे पत्र दिल्ली विधानसभा के पास जो पत्र व्यवहार हुआ, ये सारी की सारी जो है शिकायतें आप लोगों के समक्ष में रख रही हूँ। और 10 जून को जो शिकायतकर्ता ने शिकायत रखी, उसका का संज्ञान लेते हुए SC/ST कमेटी ने फिर 13 जून को जो है मीटिंग बुलाई, जिसके समक्ष बहुत ही संगीन, चूंकि शिकायत थी, शिकायतकर्ता ने बहुत ही संगीन आरोप अपने पत्र के अंदर लिखे थे, तो कमेटी ने इस बात को समझा कि दोनों लोगों को, शिकायतकर्ता को और जिसके खिलाफ शिकायत है, उनको आमने सामने बुलाकर इस बात को का संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि शिकायतकर्ता 13 जून की मीटिंग में उपस्थित होते हैं और वो बकायदा ओथ पत्र, शपथ पत्र पर इस बात को कहते हैं, शपथ लेकर इस बात को कहते हैं कि उन्होंने जो 10 जून को जान से मारने की धमकी,
डराने धमकाने पीछा करने और कंप्लेंट वापस लेने के लिए जो दबाव इस अधिकारी के द्वारा बनाया जा रहा है, मैं जो भी कमेटी के सामने कह रहा हूं शपथ पत्र पर उसने लिख कर दिया है कि ये मैं सत्य कह रहा हूं। ये सब बातें देखते हुए 14 तारीख को कमेटी ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी कि इस प्रकार से दिल्ली में अनुकंपा के आधार पर अपने अधिकार को मांगते हुए जिस शिकायतकर्ता के साथ गलत हुआ है और उसने शिकायत करी है तो उसका पीछा किया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। तो दिल्ली की विधानसभा की इस कमेटी ने दिल्ली पुलिस के उपायुक्त को, कमिश्नर महोदय को चिट्ठी लिखी कि शिकायतकर्ता को जो है सुरक्षा दी जाए और शिकायतकर्ता को का माहौल ऐसा बनाया जाए ताकि वो शांतिपूर्वक माहौल में अपनी बात को कह सके और अपने अधिकार को पा सके। लेकिन ये बेहद ही दुखद है, आज 2 बजे शिकायतकर्ता को दिल्ली पुलिस के समक्ष अपने बयान को दर्ज कराना था, अपनी बात को रखना था, लेकिन बीती रात को 10 बजे आनन फानन के अंदर दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ता को ही उठा लेती है, शिकायतकर्ता को ही दिल्ली पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेकर चली जाती है। तो जो अभी मैंने आपको सारी घटना बताई है, अधिकारी की ये गुंडागर्दी, अधिकारी की किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहना या नौकरी के एवज में 5 लाख 10 लाख रुपए मांगना, ये आपको क्या लगता है कि क्या वो अधिकारी सिर्फ अपने दम पर इस गुंडागर्दी को कर रहा है? क्या वो अधिकारी अपने दम पर ही जो है इस तरह की फाइलों को रोक रहा है या पैसे लेकर फाइलों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता बिना एलजी के संरक्षण के, क्योंकि ये जितने अधिकारी हैं जो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार जरूरतमंद लोगों के कामों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एलजी साहब के संरक्षण के बिना इनकी ये हिम्मत नहीं हो सकती और एलजी साहब के संरक्षण के बिना ये काम ये करना इनका बिल्कुल भी इस बात की संभावना नहीं है। तो आज एलजी साहब का एक बार फिर से ये चेहरा उजागर होता है कि किस प्रकार से वो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जरूरतमंद लोगों का काम रोकते हैं, जरूरतमंद लोगों से भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे की डिमांड करी जाती है। और ना सिर्फ दिल्ली सरकार, ना सिर्फ ऐसे कुछ अधिकारी जो लोगों के कामों को रोकने का प्रयास करते हैं या लोगों को के बीच में डराने धमकाने का जो है डर का माहौल बनाने का काम करते हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस भी जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन आती है, एक दलित की शिकायत को वापस लेने के एक दबाव बनाने के लिए, एक दलित बेटे को, एक पीड़ित व्यक्ति को जिसके पिताजी का ऑलरेडी स्वर्गवास हो गया है, वो उसका परिवार पहले ही भावनात्मक तरीके से कितना टूटा हुआ है, आर्थिक तरीके से वो परिवार किस प्रकार से जूझ रहा है, ऐसे परिवार को सपोर्ट करने की बजाय, ऐसे युवक को सपोर्ट करने की बजाय उस युवक को जान से मारने की धमकी देना या फिर अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए उसको रातों रात गिरफ्तार कर लेना, दिल्ली पुलिस हो, एलजी हो या इस प्रकार के जो अधिकारी हैं, ये बिल्कुल भी इन तरह के कामों को अंजाम नहीं दे सकते अगर केंद्र सरकार का आशीर्वाद या संरक्षण इनको प्राप्त ना हो। ये वाकया बिल्कुल ऐसा है जैसा बीते दिनों हमने दिल्ली में अपने खिलाड़ियों के साथ देखा। खिलाड़ियों ने आंदोलन करा, खिलाड़ियों ने जो है अपनी आवाज एक मजबूत बाहुबली व्यक्ति के खिलाफ उठाई, लेकिन पूरा का पूरा शासन प्रशासन उन खिलाड़ियों के ही खिलाफ खड़ा हो गया और जो आरोपी है उसको संरक्षण देने का जो है पूरा का पूरा प्रयास किया गया। आज दिल्ली में फिर से ये साबित होता है कि जो हमारी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, जो हमारे दिल्ली के एलजी साहब है और जो इस तरह के अफसर हैं, ये पूर्ण रूप से दलित विरोधी और आम जनता के विरोध में काम करने वाले लोग हैं। और ये बात सिर्फ कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, अगर मैं आज दिल्ली विधानसभा के परिसर में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अवगत करा रही हूँ, इन विषयों से अवगत करा रही हूँ, तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ना तो जो आरोपी है जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है, ना तो वो कमेटी के समक्ष पेश हुआ। मतलब कि आप दिल्ली विधानसभा की कमेटी का भी अपमान कर रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का भी अपमान कर रहे हैं
और ना ही शिकायतकर्ता को सुरक्षा दिलाने के लिए भेजी गई कमेटी के द्वारा चिट्ठी पर दिल्ली पुलिस ने कोई संज्ञान लिया। हुआ तो बिल्कुल इसके विपरीत कि आपने शिकायतकर्ता को ही उठा लिया, शिकायतकर्ता के खिलाफ ही आपने डर और भय का माहौल बना दिया। और मैं तो यहाँ तक इस बात को कहना चाहती हूँ, जो मेरी जानकारी है दिल्ली विधानसभा के माध्यम से, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग लगभग अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों की ऐसी 300 से 350 फाइलें दिल्ली सरकार में इस जो है अधिकारी के अंतर्गत आती है। और अगर ये किसी से नौकरी की एवज में 5 लाख से 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं तो लगभग प्रत्यक्ष तौर पर 15 से 30 करोड़ रुपए का घोटाला एलजी के संरक्षण में ये अधिकारी कर रहे हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए और इस बात की भी जो है पूरी की पूरी पुष्टि होनी चाहिए कि ये अधिकारी क्या सिर्फ अपने लिए या अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ मिलकर इस तरह के षड्यंत्रों को रच रहे हैं, या बड़े अधिकारियों के साथ साथ एलजी साहब की भी इसमें कोई मुख्य भूमिका है। मैं दिल्ली पुलिस से भी ये कहना चाहती हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि ये जो नकुल कश्यप है इसको सुरक्षा भी दी जाए और इसके केस को की मजबूती को देखते हुए संज्ञान ले तुरंत प्रभाव से। ये जो अधिकारी है YVVJ राजशेखर, इसकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और जो है मजबूती से इस शिकायतकर्ता की शिकायत को लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अनुकंपा के आधार पर इस बच्चे की, इस युवक की जो ये मांग है, जो इसकी मांग पत्र है, उसको देखते हुए इसको तुरंत प्रभाव से इसकी नौकरी भी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न? वेद? हाँ हाँ।